जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि नीट यूजी 2025 के लिए हम लोग एक स्टडी प्लान बना के लाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस लेंगे। और मतलब ये हमारे पास क्या है, पूरा फुल स्टडी शेड्यूल है, जिससे आप नीट 2025 में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखा जाए तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एट 10 जुलाई 2024 को। ठीक है, और यहाँ पे 10th to 14th कुछ हम लोग बायोलॉजी के इंट्रो वगैरह लेके स्टार्ट करेंगे, जो 10 से 14 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि 15 जून से लेकर 5 जुलाई तक क्या करेंगे, हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। और ये 15 जून to 5 जुलाई के बीच में जो हमारे पास शेड्यूल है, और ये नया सिलेबस भी है, मतलब कि 2025 के लिए जो 2023 में अक्टूबर में NMC के द्वारा आया हुआ था 2024 के लिए, यही मेरे ख्याल से अभी रहेगा, इसमें कोई अपडेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहला हमारे पास 15 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में क्या हम क्लासेस लेंगे और कैसे आप पढ़ेंगे, उसके यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। तो उसके लिए देखा जाए को पहला हम लोग यूनिट ले रहे हैं, जो फर्स्ट बुक है 11th का बायोलॉजी का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें भी कुछ पार्ट कट गया है, जो पहले वाले NCERT थे, न्यू NCERT से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पुराने NCERT का है वो हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो उससे पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपको न्यू NCERT पढ़ना है, ठीक है, जिसमें व्हाट इज लिविंग दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ठीक है, एंड सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसी एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारे चीज़ें यहाँ पे पढ़ना। उसके बाद देखा जाए, वैसे तो दूसरा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट में नेशनल, देखा जाए मेडिकल काउंसिल ने रखा था, ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरे चैप्टर में, या कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट के दूसरे पार्ट में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद सैलियंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई इनटू मेजर ग्रुप जिसमें लाइकेन है, वायरसेस है और वायरॉइड है, ठीक है, ये उसके बाद देखा जाए। अब साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, जिसमें हम लोग कह सकते हैं प्लांट किंगडम, हम लोग कहते हैं प्लांट किंगडम, और ये देखा जाए प्लांट किंगडम में देखा जाए तो एलगा में पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है और टेरिडोफाइटा पढ़ना है, उसके बाद देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म पढ़ना है और 3 to 5 साइलेंट डिस्टिंग्यूश फीचर पढ़ना है, एटलीस्ट 2 एग्जांपल ईच कैटेगरी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म भी था, तो यहाँ से अब कट गया है, नए NCERT में नहीं है, लेकिन हम लोग एंजियोस्पर्म का दूसरे चैप्टर में तो पढ़ेंगे। यहाँ पे पुराने NCERT में दिया, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो दूसरे जगह हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं कि नया वाला NCERT आप परचेज करके उसे से पढ़िए। मेन सिलेबस वही है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है, उसको हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल, जिसमें नॉन कॉर्डेटा अप टू फाइलम लेवल, ठीक है, कॉर्डेटा अप टू क्लास लेवल है, मतलब कि नॉन कॉर्डेटा में ज़्यादातर हमें फाइलम लेवल ही स्टडी करना है, लेकिन कॉर्डेटा में हमें क्लास लेवल का स्टडी भी करना है। जैसे इसमें 3 to 5 साइलेंट फीचर, इसके एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपको ऐसा दिया हुआ है, तो जो आपको एग्जांपल जितना भी याद रहेगा उतना ये चैप्टर आपको बेटर रहेगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर से लेके फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर से लेके और एनिमल किंगडम तक हमें स्टडी करना है, ठीक है। और ये स्टडी कब तक करना है, 15 जून to 5 जुलाई, उसके बाद 6 जुलाई को आपको थोड़ा रिलैक्स रहेगा, यानी कि हमारे तरफ से क्लास नहीं रहेगा आप, लेकिन उसे सेल्फ स्टडी करेंगे वाले, क्यों, क्योंकि 7 जुलाई को आपको क्या रहेगा, इसी टॉपिक का
टेस्ट, और उसी दिन इसका डिस्कशन हम कराएंगे शाम को, मतलब टेस्ट के बाद। अगर आप टेस्ट दे लिए तो आप डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उतने क्वेश्चन का तो और अच्छे से हो जाता है, ठीक है, क्या कमियां हैं वो सारी पता चल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 8 जुलाई to 19 जुलाई का क्या स्टडी प्लान है, ठीक है। और इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में देखिए 12 का बुक लेते हैं और यूनिट 6 है, और जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट 6 मतलब जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का यूनिट था उसके अकॉर्डिंग यूनिट 6 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है कि रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। अब फ्लावर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ना है, पॉलिनेशन टाइप एजेंसी एग्जांपल आउटब्रीडिंग डिवाइस पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट स्पेशल मोड जिसमें हमारे पास एपोमिक्सिस पढ़ना है पार्थिनोकार्पी पढ़ना और पॉलीएम्ब्रियनी दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ तक आपको पढ़ना है इस चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए प्री रिप्रोडक्टिव और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन उसके बाद फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में दो है यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन तक प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन एलिमेंट्री आइडियाज का पार्चुरेशन यानी कि एलिमेंट्री आइडिया इसका लैक्टेशन इसका भी एलिमेंट्री आइडिया है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसलिए एलिमेंट्री आइडिया दिया है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें एसटीडी बर्थ कंट्रोल नीड मेथड जिसमें कंट्रासेप्टिव एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एमटीपी अमीनोसिंथेसिस जिसमें इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें आईवीएफ है गिफ्ट है ठीक है ये सब का एलिमेंट्री आइडिया आपको पढ़ना है। अब देखा जाए तो जो यहाँ पे हमारे पास ये 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक था शेड्यूल, अब यहाँ पे देखा जाए आपको 20 जुलाई को सेल्फ स्टडी करना है इसका, ठीक है। उसके बाद 21 जुलाई को क्या है टेस्ट और इसका डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 जुलाई से नया आपका शेड्यूल हो जाएगा 2 अगस्त तक का शेड्यूल, और इसमें यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं, और यूनिट 2 देखा जाए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट है जिसमें मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन टिश्यू एनाटॉमी एंड फंक्शनल डिफरेंस टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रूट स्टेम एंड लीव इनफ्लोरेसेंस साइमोज रेजिमोज फ्लावर फ्रूट एंड सीड टू बी डिटेल अलॉन्ग विद द रेलिवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस जो आपको दिया है उस पर भी फैमिली मालवेसी क्रूसीफेरी लेग्यूमिनेसी कंपोजिटी ग्रैमिनी यहाँ पे हम लोग 5 फैमिली भी पढ़ना मालवेसी क्रूसीफेरी लेग्यूमिनेसी और कंपोजिटी और ग्रैमिनी, ठीक है। उसके बाद इसी में एनिमल टिश्यू भी है बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं यूनिट है, तो एनिमल टिश्यू भी है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम जिसमें डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी नर्व एंड रिप्रोडक्शन एंड इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में देखिए यहाँ फ्रॉग लिखा है, ठीक है फ्रॉग लिख दिया फ्रॉग तो इंसेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली काक्रोच हमें पढ़ना है, काक्रोच से क्वेश्चन भी 2024 में 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है तो यहाँ पे काक्रोच भी पढ़ना है, तो मतलब कि ये तब जाके यूनिट कंप्लीट होगा। उसके बाद देखा जाए इसी में यूनिट 5 हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट लेते हैं, और बेसिकली ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला,
ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ मूवमेंट है सीलरी एंड फ्लेजलर मस्कुलर है, स्केल्टन मसल है और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल है, कंट्रैक्शन स्केल्टन सिस्टम इट्स फंक्शन। ठीक है, टू बी डेल्ट विद द रेलिवेंट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिलेबस से, जिसमें आप द ज्वाइंट डिसऑर्डर और मस्कुलर एंड स्केल्टन सिस्टम, जिसमें मेस्थेनिया ग्रेविस है, टिटेनी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टोपोरोसिस होगा, गाउट, ये सब आपको दिया हुआ बुक में, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 3 अगस्त को आपको रिलैक्स, मतलब कि आपको सेल्फ पढ़ना है ये टॉपिक। उसके बाद 4 अगस्त को टेस्ट रहेगा और इसी का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, इसी टॉपिक का जो भी रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिव्यू टेस्ट आ जाता है आपको, रिवीजन का, जो आप प्रीवियस में किए हैं उसका रिवीजन। अब इस रिवीजन में देखिए प्रीवियस टॉपिक जो आपने 5 to 16 अगस्त तक हम लोग रिव्यू करेंगे। अब ये हमारे पास जो प्रीवियस में जितना भी सिलेबस है उसका टेस्ट और डिस्कशन होगा, जिसमें 17 को आपको पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है इसको, और 18 अगस्त को इस पूरे मतलब प्रीवियस में जितना भी हम टॉपिक कवर किए उसका टेस्ट और डिस्कशन होगा। उसके बाद देखा जाए 19 अगस्त to 30 अगस्त के बीच में हमारे पास क्या स्टडी प्लान है, स्टडी शेड्यूल है, तो इसमें यूनिट 7 लेते हैं 12 का। ठीक है, जिसमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन आप पढ़ना है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है, और डेरिवेशन फ्रॉम द मेंडेलिज्म एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, कोडोमिनेंस पढ़ना, मल्टीपल एलील पढ़ना है, और इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप पिलियोट्रॉपिक पढ़ना है, पिलियोट्रॉपिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम ऑफ जीन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड बर्ड हनी बी, जिसमें लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस हो गया इस ऑर्डर इन ह्यूमन, एंड थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल, ठीक है, डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ठीक है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मेंडेलियन, और डाउन सिंड्रोम हो गया, और टर्नस और कैलिफेंटर सिंड्रोम, जो हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ठीक है, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट से। तो अब देखा जाए यहाँ पे यूनिट 9 भी यहाँ पे है, यानी कि जेनेटिक्स लेना है, उसके बाद यूनिट 9 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। तो इसमें 2 पार्ट है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनहेरिटेंस मतलब हेल्थ एंड एग्रीकल्चर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे बीटी कॉटन हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, बायोसेफ्टी हो गया, इशू बायोप्रेसी हो गया, पेटेंट, ये सारा हो गया। अब उसके बाद देखिए 31 अगस्त को आपको क्या है? गैप है सेल्फ का ये पढ़ने का, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और मेंडेलियन जेनेटिक्स कह सकते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर को आपको टेस्ट और डिस्कशन रहेगा, उसके बाद 2 सितंबर से फिर स्टार्ट हो जाता है 13 सितंबर तक, तो इसमें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन आपको पढ़ना है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यूनिट 7, इसमें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल एंड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डीएनए पैकेजिंग आपको पढ़ना है, डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लाइक ऑपरान पढ़ना है, और जीनोमिक ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ना है, ठीक है, और बायोसिंथेटिक पढ़ना है, प्रोटीन एंड बायोसिंथेटिक, ठीक है। आप देखें इवोल्यूशन इसमें है, इवोल्यूशन ओरिजिन एंड लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोटोलॉजी, कंपरेटिव एनाटॉमी जिसमें एम्ब्रियोलॉजी मॉलिकुलर एविडेंस है, ठीक है, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन, वेरिएशन, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन रिकम्बिनेशन है, नेचुरल सेलेक्शन आपको पढ़ना विथ एग्जाम्पल टाइप ऑफ नेचुरल सेलेक्शन कितना है, जीन फ्लो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एडाप्टिव रेडिएशन ह्यूमन,
इवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन है, सब पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसी में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर भी पढ़ना है यूनिट 8 के। तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सीवेज ट्रीटमेंट है, एनर्जी जनरेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो फर्टिलाइजर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सितंबर को आपको सेल्फ है, 15 सितंबर को फिर टेस्ट और डिस्कशन रहेगा, उसके बाद फिर रिव्यू आ जाते हैं पुराना जो हमारे पास। अब रिव्यू हम कराएंगे 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर रिवीजन, ये प्रीवियस टॉपिक का रहेगा। अब 28 सितंबर क्या रहेगा, सेल्फ आपको पढ़ना है, 29 सितंबर को इस टॉपिक का मतलब जो रिवीजन है उसे हम लोग टेस्ट और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 30 सितंबर से 11 अक्टूबर तक फिर आपका यहाँ पे शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में आपको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 8 में दिया है। अब इसमें हेल्थ डिजीज, पैथोजन के बारे में, पैरासिटिक कॉज ऑफ ह्यूमन डिजीज है, ठीक है, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया, पैथोजन, पैरासाइट हो गया, अमीबियासिस हो गया, एस्केरियासिस है, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब आपको मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसमें वैक्सीन है, ठीक है, कैंसर है, HIV है, एड्स है, एल्डोसेंस है, ड्रग्स हैं, अल्कोहल एब्यूज हैं, टोबैको एब्यूज, ये सारा है। उसके बाद देखा जाए यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, इंट्रैक्शन एंड म्यूटलिज्म, ठीक है, कंपटीशन एंड ट्रेडिशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड एजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मिलेगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी इसी में साथ में पढ़ना है, मतलब कि इसका ह्यूमन वेलफेयर के साथ। तो अब देखा जाए 12 अक्टूबर को आपको क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। 13 अक्टूबर को टेस्ट एंड डिस्कशन होगा, फिर 14 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर में आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट यूनिट 10 है, और यूनिट 10 इकोसिस्टम, पैटर्न एंड कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ द बायोडायवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, इंडेंजर ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंशन, रेड डाटा बुक जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क होगा, सेंचुरी हो गया, ये सेकेंड ग्रुप, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखें इसी में यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडोक्राइन, यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन इंडोक्राइन सिस्टम हो गया ये सिस्टम, एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड हो गया, पैराथायरॉइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज, गोनेड्स, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन, जिसमें एलिमेंट्री आइडिया, रोल ऑफ हार्मोन एज ए मैसेंजर एंड रेगुलेटर, एंड हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर जिसमें ड्वार्फिज्म हो गया, एक्रोमेगैली हो गया, ठीक है, और क्रिटिनिज्म हो गया, और ग्वाइटर हो गया, एक्सपैथोलेमिक ग्वाइटर हो गया, डायबिटीज हो गया, एडिशन डिजीज हो गया, ये मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबव बी वी डिटेल इन ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ में आपको पढ़ना है, डिटेल इन ब्रीफ। तो यहाँ पे 26 अक्टूबर को सेल्फ और 27 को फिर टेस्ट एंड डिस्कशन रहेगा, फिर 28 से हम लोग फिर स्टार्ट कर देते हैं नया शेड्यूल जो नेक्स्ट आपको टॉपिक कवर करेगा यूनिट 3, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है, सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत पूछा जाता है, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी है, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। इसके बाद बी यानी कि सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है जिसमें ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन लिया गया है, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल जिसमें रिकॉल ओनली रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिसऑर्डर एंड रिलेटेड टू रिस्पायरेशन जिसमें अस्थमा है, इम्फेसिमा है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज है। ठीक है, तो ये सारा इसी में देखा जाए बॉडी एंड फ्लूड एंड सर्कुलेशन, मतलब जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं वो भी यहाँ पे रखा है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड ग्रुप और कैजुलेशन ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ है एंड इट्स फंक्शन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल, कार्डिक साइकिल है, कार्डिक आउटपुट है, और ECG भी दिया हुआ सिलेबस में, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हाइपरटेंशन मेनली, कॉर्नरी आर्टरी डिसऑर्डर है, एंजिना पेक्टोरिस है, हार्ट फेलियर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, फिर 9th नवंबर को आपको सेल पढ़ना का है, 10th नवंबर को क्या होगा, टेस्ट एंड डिस्कशन होगा, फिर आपका आ जाता है रिव्यू टेस्ट। अब रिव्यू में आपको क्या पढ़ना है, 11 नवंबर टू 22 नवंबर, जिसमें 23 नवंबर सेल्फ है, 24 नवंबर क्या टेस्ट एंड डिस्कशन होगा। ठीक है, फिर 25 टू 6 दिसंबर के बीच में क्या सिलेबस है, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, अब प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 4 में, इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट है, कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन और इथाइलिन और एबेसिक एसिड है, तो ये दिया। इसी में यूनिट 4 है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, अमीनोटिलिज्म है, यूरोटिलिज्म है, यूरिकोटिलिज्म है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ यूरिन, फार्मेशन एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्मोरेगुलेशन भी है, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, आर्टेरियल न्यूट्रियल फैक्टर ANF और ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, डायबिटीज इंसिपिडिस है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन डिसऑर्डर है, यूरिमिया है, रेनल फेलियर है, रेनल कैनिकुली है, नेफ्राइटिस है, डायलिसिस है, आर्टिफिशियल किडनी है। उसके बाद 7 दिसंबर को आपको सेल पढ़ना है, 8 दिसंबर को फिर टेस्ट से डिस्कशन रहेगा, फिर देखा जाए यहाँ पे 9 दिसंबर टू 20 दिसंबर के बीच में आपको शेड्यूल है, जिसमें यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मींस ऑफ द ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन पिगमेंट इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री ऑर्डर, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साइकिल एंड नॉन साइक्लिक एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटोरिस्पायरेशन जिसमें C3C4 पाथवे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा इसी में क्या है सिलेबस, आपको यूनिट 4 में रिस्पायरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेशन है, एनरोबिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग से एरोबिक है, एनर्जी रिलेशन जिसमें हमारे नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे एंड रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट भी लास्ट में RQ भी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3rd से यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, केमिकल यानी कि बायो मॉलिक्यूल वाला पार्ट रह गया था, केमिकल कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग सेल जिसमें बायो मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप एंड प्रॉपर्टी, एंजाइम एक्शन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम। अब देखा जाए इसी में यूनिट 5 भी है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन है, नर्व सिस्टम है, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारे पास 31 दिसंबर को क्या है
कि आपको सेल्फ पढ़ना 22 दिसंबर और टेस्ट और डिस्कशन रहेगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ तक हमारे पास क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिव्यू टेस्ट फिर होगा और मतलब रिवीजन बेसिकली ही होगा। तो यहाँ पे 23 दिसंबर टू 3 जनवरी तक क्या है, रिवीजन है प्रीवियस टॉपिक का, और 4 जनवरी सेल्फ पढ़ना है, 5 जनवरी को टेस्ट एंड डिस्कशन है, फिर रिवीजन है, फिर 6 टू 7 जनवरी को 11th का पूरा सिलेबस हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अब ई बुक टाइप का करेंगे, फिर 8 जनवरी को आपको सेल्फ पढ़ना है, फिर 9 जनवरी को क्या है टेस्ट एंड डिस्कशन होगा, फिर आपको यहाँ पे रिव्यू टेस्ट है, अरे सॉरी रिव्यू है, रिवीजन है 20 जनवरी 31st 12th का पूरा, फिर 1 फरवरी को आपको सेल्फ पढ़ना है, फिर 2 फरवरी को टेस्ट डिस्कशन होगा, यहाँ तक 12th तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 फरवरी के बाद हर 14 डेज पे हम रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2025 नीट, अगर देखा जाए नीट यूजी 2025 का जो स्टडी प्लान है यही है, ठीक है, और इसी से हम लोग फॉलो करेंगे और कई बार रिवीजन करेंगे। तो आप यहाँ तक डिस्कशन था, ठीक है, थैंक यू।